बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों का एनकाउंटर कर घायल किया, एक बदमाश को गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में आज सुबह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एसओजी और पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारकर किया एनकाउंटर। एक बदमाश पुलिस की हिरासत में, घायल बदमाशों को अस्पताल उपचार के लिए भेजा। 8 दिन पहले कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के मितरपुर गांव में जंगल में नाबालिग से दुष्कर्म में नाकाम बदमाशों ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने आज मुठभेड़ में बदमाशों के साथ फायरिंग की। बाद में उनका एनकाउंटर कर उन्हें घायल कर दिया। एक बदमाश को हिरासत में ले लिया है। वहीं एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद उनका एनकाउंटर किया गया है, जबकि एक बदमाश को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें एसओजी और शाहबाद पुलिस शामिल थी। मैं खुद मौके पर आया हूं। यह बदमाश शातिर थे। इन्होंने नाबालिग से दुष्कर्म में नाकाम होने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को मेरी ओर से 20,000 का इनाम दिया जाएगा। पूरी घटना क्या है? जनपद रामपुर में थाना शाहबाद अंतर्गत एक सप्ताह पूर्व एक युवती की बॉडी मिली थी। इस पे मौके पे मैं स्वयं पूरी अपनी टीम के साथ पहुंचा था। इस घटना के खुलासा के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। एक हफ्ते से जो लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई कर रही थी, उसी के तहत थाना शाहबाद टीम और हमारी एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना में जो दो बदमाश थे, जिन पे 25,000 का इनाम भी किया गया था, इन दोनों बदमाशों को पुलिस इनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में आज गोली लगी है। टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो दो लोग जिनको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, बब्बू बेग और इशारुद्दीन, शातिर किस्म के ये बदमाश है, जिन्होंने युवती के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के दौरान उसकी हत्या कर दी थी। इनको रगड़ के आज पुलिस एनकाउंटर में जेल भेजा जा रहा है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपराध करते हैं, पब्लिक या पुलिस पे गोली चलाते हैं, हमारी थानों की टीम, एसओजी की टीम इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई करके रगड़ के और आवश्यकता पड़ी तो पुलिस एनकाउंटर में इन सबको उठा के जेल भेजेगी और कड़ी कार्रवाई इसी तरीके से जनपद रामपुर में चलती रहेगी। पुलिसकर्मी को घायल हुआ सर, ऐसा कुछ चेक करा जा रहा। मौके पे पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोग पहुंचे हुए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली ये हमारी जो टीम है, थाना शाहबाद की टीम और एसओजी टीम, इनको 20,000 रुपए इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है।